बस इतना ही है, अब आउट हो जाए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय नेक्स्ट व्लॉग। तो इस बार थोड़ा जल्दी आ गया हूँ, क्योंकि आप सब लोगों को तो पता ही है कि व्लॉगिंग इज़ ऑल अबाउट योर डेली लाइफ एक्टिविटीज़। सो दिस इज़ अनस्क्रिप्टेड। जुम्मे का दिन अभी सुबह का वक्त है, तकरीबन 10 बजे अभी मैं उठा हूँ। और अब आगे जो जो होता जाएगा मैं अडप्ट करता जाऊँगा, देखते हैं कि मेरा एक नॉर्मल डे किस तरह गुजरता है। और अब मैं कोशिश करूँगा कि रोज़ आऊँ, ताकि अपने डेली लाइफ एक्टिविटीज़ आपको शो कर सकूँ, रूटीन्स शो कर सकूँ। और उसके अलावा अगर बीच में एक दो दिन का गैप भी आ सकता है, और अगर कोई स्पेशल इवेंट होगा तो उसके लिए 3 से 4 दिन मुख्तस किए जाएंगे। सो उसके अलावा फर्स्ट ऑफ ऑल जिस चीज़ के बारे में मेरा दिल कर रहा था बात करने को, हमारी नादान पाकिस्तानी आवाम। जिस तरह कि आप सब लोगों को पता है कि लाइक अर्तगल सीरीज़ चल रही है, अर्तगल गाजी की, जो कि हमारी हिस्ट्री का पार्ट है, और बजाय उससे कुछ सीखने को या फिर बजाय उससे थोड़ा सा उसे थोड़ा सा सीरियसली लेने के, हमारी पाकिस्तानी आवाम मीम्स पे मीम्स बनाई जा रही है, जैसे इनको इस चीज़ के पैसे मिलने या इनका कारोबार चल रहा है, और कितने आराम से उनके नाम को इस्तेमाल करके और उनको काइंड ऑफ उनका मजाक बनाते हैं। हम अपने गाजियों के साथ ऐसा करें अगर, और हम दूसरों को एडमायर करते हैं जो एम्परर्स गुजरे हैं, रोम के गुजरे, उनको हम लोग हमेशा उनको हम लोग बड़ा एडमायर करते हैं कि यार हरक्यूलीज होता था यार, क्या अलेक्जेंडर होता था। लेकिन जब हमारे अपने गाजियों की बात आती है, अपने पास्ट ऑफ आर इस्लामिक हिस्ट्री की बात आती है, तो हम लोग उनको मजाक में लेते हैं। जिस तरह के पक्की दार कच्चा कच्चा की इमाम है तेरा अर्तगल, तू मेरी हलीमा, और अर्तगल साहब लाहौर आ गए हैं, उनके मीम्स बन रहे हैं, लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड हो गए अपने घोड़े पर, यार एटलीस्ट टेक इट सीरियसली। उन लोगों ने अगर ये सीरीज़ बनाई है, हमें हमारे पास्ट के बारे में बता रहे हैं, तो हम लोगों को उससे सीखना चाहिए कि कौन थे, किस तरह हमारा अरूज क्या था, कि हम लोग कहाँ से आए हैं, हमारा बेसिकली हमारे इंसेस्टर, काइंड ऑफ आपकी इस्लामिक हिस्ट्री की आप लोग हैं कौन। आपको एक बार रियलाइज़ कराना है कि वो थोड़ी तादाद, जैसे कि एक कबीला तकरीबन एक पूरा मुल्क बना जाता है, आप इस चीज़ को देखें तो सही कि वो ये आपको एहसास दिलाना चाहते हैं कि चाहे जितना मर्जी ताकतवर जालिम हो, आप उसके खिलाफ थोड़ी सी ताकत से भी खड़े होंगे तो अल्लाह आपकी मदद करेगा। मे बी दे जस्ट वॉन्ट टू वेक अस अप, लाइक वट इज़ हैपनिंग इन इसराइल, इन फ़लस्तीन, और एंड वट इज़ हैपनिंग इन कश्मीर। और हम लोग अभी भी इसका मजाक बनाते हैं, जस्ट फॉर आर डेली लाइफ फन हम हर चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, और हम लोगों को लगता है कि सिर्फ हंसते रहेंगे, हर चीज़ को नॉन सीरियस लेते रहेंगे, टेक एवरीथिंग इन कॉमेडी एंड विल डू इट फॉर आवरसेल्फ। वेल, आई कैन नॉट से एनीथिंग। तो भाई जुमा पढ़ के तो वापस आ गए हैं, बहुत देर के आ चुके हैं, क्योंकि तकरीबन 5 बज चुके हैं। और जिस तरह के आप लोगों को पता है कि ब्लॉगिंग ऑफ एवरी डे इज़ टेलिंग अ स्टोरी, अ न्यू स्टोरी, सबसे मैं भी ऐसे ही काम किया करूँगा, स्टोरी देखें। ये कहानी है एक दीवाने की, एक अनजाने की, मासूम से भोले भाले की। था वो आशिक अपनी साइकिल का, था वो उसका महबूब, करता था उससे इतना प्यार कि उसकी नमूदो नुमाइश थी बरकरार। घूमता फिरता दूर दूर उसके साथ, देखता दुनिया के अफसाने को, था वो मनचला सा लेकिन दिल का था थोड़ा सा बेहतर। देखता था लोगों की मायूसी को, देखता था इस दुनिया के अफसाने को, लेकिन था वो मासूम थोड़ा सा शरारती। घर के कामों में रहता मसरूफ़, ला कर देता उनको चीज़ें, लेकिन एक दिन एक मसला बना, उसके महबूब का पांव टूट गया। आगे क्या हुआ वो मैं बताऊंगा आगे।
पहले आप लाइक करें और बताएं कि क्या आप ये स्टोरी सुनना चाहते हैं या फिर कोई और सुनो।